जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया तो उसमें मिटैक्सा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि आप प्रदर्शन करेंगे तो उसमें मेरा भी प्रदर्शन अच्छा होता है, क्योंकि जो मैंने मेहनत की आपने उसका रिजल्ट दिया, लगभग 1000 से ज्यादा लोग सिलेक्ट हुए। लेकिन अब बात आती है आप लोगों के लिए फाइनल सिलेक्शन की। अब बात क्या है, जैसे देखिए आप लोगों से लगभग 200 से 400 लोगों ने मैसेज किए पर्सनल व्हाट्सएप पे, मैंने जो नंबर दिया था आपको कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ आपके कारण, अब मैं उनकी फोटो भी लगाऊंगा, जगह जगह लगाऊंगा, पोस्टर लगाऊंगा, उनकी बनवाऊंगा। तो देखिए अब क्या है, अब बात आती कई लोग मैसेज आ रहे, ज्यादातर जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया सर कि कितनी कट ऑफ फाइनल जाएगी, कितने पे हमें तैयारी करनी चाहिए दौड़ की, मैं तैयारी करूं भी कि नहीं, ये ना होगी मैं दौड़ के आऊं भी 5 किलोमीटर दौड़ूं, प्रैक्टिस करूं 2-3 महीने या 1 महीने में वैसे तैयारी आराम से हो सकती है अगर आप सही से करेंगे, और फिर क्या हो मेरा सिलेक्शन फाइनल हो ही ना। तो मैं आज आपके सारे संशय को दूर कर दूंगा और तैयारी भी कैसे करनी है दौड़ की जो आप आराम से कर सके, क्योंकि मैंने भी एसएससी जीडी 2015 है और आपका यूपी पुलिस 2013 है और यूपीएसआई 2016 है मैंने निकाला है और मेरा निकला भी एग्जाम। अब ये कहेंगे ज्वाइन क्यों नहीं किया, कई कारण होते हैं नहीं ज्वाइन किए, क्योंकि उसमें आगे और भी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं नंबर दे रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है 9455287748, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मैंने एक एकेडमी ओपन की है, ठीक है, मैं ओपन कर चुका हूं, अब वहां पे कई सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं। आप लोग अगर यहां पे आना चाहते, तैयारी करना चाहते तो आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे तैयारी करवाई जाएगी, आपसे एक रुपए भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप रहते हैं, आप कहीं भी अपनी व्यवस्था रहने की बना लीजिए, खाने पीने की व्यवस्था बना लीजिए, ट्रेनिंग पूरी तैयारी आपकी होगी। लेकिन अगर आप रहना चाहते तो मैं आपकी वो भी व्यवस्था करा दूंगा, उसकी जो भी फीस होगी कम से कम आपकी कोशिश की जाएगी, ठीक है। लेकिन जो तैयारी है, रजिस्ट्रेशन फीस, सारी चीज़ें आपकी नहीं लगेंगी, क्योंकि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है, ठीक है। अगर आप लोग बाई चांस नहीं भी आ पाते तो मैं आपको तरीका बताता हूँ आप क्या करिए। आप लोग अपने घर के आसपास कहीं ग्राउंड हो वहाँ पे जाइए, दौड़िए। शुरू में आप लोग सिर्फ 2-4 दिन टहलिए, सिर्फ आप टहलिए 2-3 किलोमीटर टहलते रहिए, फिर अगले 4-5 दिन आप हल्का सा टहलिए, तेज बढ़ाइए, स्पीड अपनी बढ़ाइए। फिर अगले 6वें 7वें दिन आप लोग क्या करिए, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दीजिए, धीमे धीमे बढ़ाइए। ये ना सोचिए कि आज ही हम 5 किलोमीटर रेस निकाल देंगे हफ्ते भर में, नहीं, आपको धीमे धीमे करना है। और गारंटी मैं कह रहा हूँ 15 से 20 दिन तब होंगे जब आप 5 किलोमीटर की रेस आराम से निकाल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, जब तक गाइडेंस नहीं होता, प्रॉपर चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे आएंगे तो आपको जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, जो काफ़ी लोगों को सिलेक्शन दिला भी चुके हैं, रनिंग करा चुके हैं, आर्मी सबसे खतरनाक रनिंग मानी जाती है, तो उनकी गाइडेंस में आपकी सियोरिटी बढ़ जाती है। अब आप घर में सोचें मैं कर लूँगा, अब आपने 15-20 दिन तैयारी की और नहीं भी हो पाया, तब फिर आपका समय मतलब बेकार हो जाएगा और फिर आपका तुरंत दौड़ आ गई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग लालच ना करके सीधे सीधे इस एकेडमी में जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि एक बार अगर ये सिलेक्शन चूक गया तो एसएससी जीडी बाद फिर आपको शायद 4 से 5 साल भी लग जाए और कहो ना भी हो सिलेक्शन किसी और भी एग्जाम में, क्योंकि इससे आसान एग्जाम कोई होता नहीं है। अब बात आती सर रनिंग की तैयारी करे कौन, देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सेफ स्कोर अगर आपका जितना भी कट ऑफ आया है, जितनी भी कट ऑफ गई है आपकी जोन की, उससे अगर आपके +5 नंबर हैं, +5, तो आपका सेफ स्कोर हो जाता है। क्या होता है, सेफ स्कोर पे आप चले जाते हो, +5 अगर आपके नंबर है कट ऑफ से, सेफ स्कोर वैसे तो देखिए अब क्या है। लेकिन अगर इससे कम है तो ये ना सोचिएगा मैं अब तैयारी नहीं करूँगा, सर मेरे कम नंबर है, +5 तो है नहीं, मेरे +2 नंबर है। आप तैयारी फिर भी करेंगे, क्योंकि अगर कहीं कारणवश आपकी ना कट ऑफ जा पाई, हाई कम कट ऑफ गई, तब फिर आप रह जाएंगे, मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए आप अगर सिलेक्ट हुए हैं, बस ये जरूर है जो बॉर्डर पे लगे हुए, जैसे अब कट ऑफ गई 70.5, अब आपके नंबर थे 71, तो मैं कहूँगा आप लोग किसी और की तैयारी करने लगी है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 70.5 गई, आपके नंबर है 72, तो आप तैयारी इसकी रनिंग की कर सकते हैं, आपके चांस हैं, मैं गारंटी नहीं देता हूं। लेकिन अगर आपके 5+5 नंबर हैं तो आपकी गारंटी हो जाती है, ठीक है, 99% आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के, तो ये आपके लिए हो जाता है। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते, वास्तव में तैयारी करना चाहते, तो ये कानपुर में अकेडमी है, ठीक है ना, कानपुर से जो लोग हों उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, कानपुर में आपको ये अकेडमी मिल जाएगी। इस नंबर पर सिर्फ वही संपर्क करें जो लोग अकेडमी में आना चाहते हैं, ये नंबर है 9455287748। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, इस नंबर पे जो मैंने नंबर दिया था इस पर अपनी फोटो भेजिए, क्योंकि मैं कानपुर में पोस्टर लगवाऊंगा जगह जगह कि ये देखो बच्चे सिलेक्ट हुए, तो जो मेरे चैनल से बात करूँ ईमानदारी से सिलेक्ट हुए वही फोटो भेजें, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो अपनी एक फोटो A4 साइज या आप लोग अच्छी फोटो खिंचा लीजिए नॉर्मल ऐसे खड़े होके इस तरीके से, बस फोटो भेज दीजिए और अपना नाम लेके भेजिए, रोल नंबर या अपना एडमिट कार्ड,
एडमिट कार्ड और अपना एडमिट कार्ड भेजिए और अपनी फोटो भेजिए, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद आपकी फोटो लगाई जाएगी, जगह जगह आपकी फोटो लगेगी, पोस्टर बनेंगे आप लोगों के, और आप लोग भी दिखाएंगे अपने घर वालों को, देखिए मेरा ये देखो पोस्टर लगा है, देखो इस तरीके से। आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका भी है, आप लोग जरूर भेजिएगा, जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करिए, ठीक है, और रनिंग करिए, तैयारी करिए, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर आप अकेडमी में आ जाते तो उसकी गारंटी मैं ले लूँगा, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो आपको बताया जाएगा, जैसे किया जाएगा, ठीक है। और भी कोई अपडेट होती तो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और भी आगे के लिए बढ़ते रहिए, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ आप SSC GD में सिपाही बन गए बस हो गए, नहीं, अब आपके लिए ASI SI का भी CPO का भी फॉर्म आता है, क्योंकि मैंने देखा था 2015 में गया था तो वहाँ पे मुझे एक लोग मिले थे, ठीक है, तो वो CPO थे, यानी कि दरोगा बन गए, तो वहाँ पर नहीं जो होता CRPF में जो बन जाते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो वो यही बता रहे थे कि मैं पहले कांस्टेबल से मैं लगा था, मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं CPO बन गया। इसीलिए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी मत रोकिएगा, आप सोचिएगा अब तो मेरा हो गया, बढ़िया मौज मारेंगे, नहीं, आपको और आगे बढ़ना है, प्रयास करते रहना है और मिटेक्सा चैनल के साथ जुड़े रहना है। ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और इसको वीडियो को लाइक करिए अगर आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, और मैं आपके साथ तत्पर हूँ, सदैव तत्पर हूँ, तैयार हूँ, आप लोग बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। और ये नंबर नोट कर लीजिए 9455287748, ठीक है, आप लोग WhatsApp पे लिख दीजिए चाहे तो, अगर आपका फ़ोन नहीं उठ पाता है तो आप इतना लिख दीजिए फिजिकल PHY लिख दीजिए बस, तो हम समझ जाएंगे कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, तो आपको संपर्क कर लिया जाएगा, ठीक है। WhatsApp पे आप इतना लिख के भेज सकते हैं PHY, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, अगर आपका फ़ोन नहीं रिसीव हो पाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट कोई अपडेट में, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।